अगर हो आपको करेक्ट एक्सेसरी की पहचान तो सीनियर गांधी नहीं निकलेगा भाई जी एक्सेसरी रूल फॉर बोथ मेन एंड वेमेन अगर आपका वार्म अंडरटोन है तो गोल्ड या रोज गोल्ड ज्वेलरी अच्छी लगेगी कूल अंडरटोन है तो सिल्वर या व्हाइट गोल्ड न्यूट्रल है तो एवरीथिंग सूट्स वेल जब रिंग्स की बात आती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या आती है भाई कौन सी उंगली में पहने और राइट और लेफ्ट कौन से हाथ में पहने जब वेडिंग्स की बात आती है वेडिंग रिंग हमेशा राइट हैंड द थर्ड फिंगर भैया गर्लफ्रेंड नहीं बन रही आप शादी की बात कर रहे हो भाई नॉलेज के लिए तो पता होना चाहिए ना जब फैशन रिंग्स की बात आती है कोई ऐसा रूल नहीं है ओली रूल टू टेक केयर इज बैलेंस एंड साइज साइज की बात होती है, मैं, to आपकी जो पिंकी फिंगर है उसमें स्लीक और छोटी रिंग ही अच्छी लगेगी ना कि बड़ी चंकी रिंग बैलेंस का मतलब होता है एक ही भरना इकट्ठे नहीं है सारे रिंग्स को ऐसा लगेगा सोनार की दुकान पर डमी का हाथ हो वो चल रहा है इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस को बनाना मतलब अगर आपने वॉच पहनी एक हाथ में उस हाथ में अवॉइड करिए आप रिंग पहनना दूसरे हाथ में पहन सकते हैं अगर आपको मल्टीपल रिंग्स का ज्यादा रिंग्स का शौक है तो क्या कर सकते हैं वॉच वाले हाथ में स्लीक एक रिंग पहनी और दूसरे हाथ में यू कैन गो फॉर मल्टीपल चमकी रिंग्स